आइए नाज़रीन, आज हम आपको पुलाव का मसाला बनाना सिखलाते हैं। ऐसा मसाला बनाकर आप पैकेट करके भी घर में रख सकते हैं। ये 5 कप चावलों के लिए बहुत काफ़ी होगा और 1.5 किलो मीट के लिए। सबसे पहले हमने 6 लार्ज साइज़ की ड्राइड रेड चिलीज़ ले लेनी है। उसके बाद हमने 2 टीस्पून फुल 5 ml का स्पून है क्यूमिन सीड्स के लिए है, यानी कि सफ़ेद ज़ीरे के। 5 कप चावलों के लिए हमको 3 टीस्पून फुल 5 ml के जो हैं सॉल्ट की ज़रूरत होगी, जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 टीस्पून फुल हमने इसमें होल ब्लैक पेपर के डाले हैं, साबित काली मिर्चों के, और ये हमारे पास ब्लैक कार्डमम है। बड़ी इलायची, इसका हिसाब ये होता है कि 1 कप चावलों में ये 1 जाया करती है, तो 5 ली हैं 5 कप चावलों के लिए। 1/2 टीस्पून फुल हमने क्लोव्स का लिया है, यानी कि लौंग का, और 1 उंगली जितनी हमारे पास सिनेमन स्टिक होगी, समझें कि 2.5 इंचेस की। इसके बाद हैंडफुल हमने गार्लिक लिया है, 1.5 गार्लिक होगा, और उसका आधा हमें जिंजर चाहिए होगा। ऐसे रख के देख लें, बस बराबर ही हों। 1 medium to large साइज़ का अनियन है जो हमने लेना है, इसके हमने 4 टुकड़े करने हैं और इसको पॉट में डाल देना है। सारे मसाला जार डाल देने हैं और उसके साथ 1 कप पानी डाल के हमने उसको उबलने के लिए रख देना है। तो यूँ हमारी यखनी तैयार हो जाएगी पुलाव के लिए। चिकन का पुलाव जो है वो थोड़ा डिफरेंटली तैयार होता है, उसमें प्याज पहले ब्राउन किए जाते हैं। तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं पुलाव की जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं, या आप चाहें तो इस मसाले को पैकेट करके रख सकते हैं, जो कि हमने 5 कप चावल के हिसाब बनाया है। तो खुदा करे कि इस मसाले से आपका बहुत अच्छा पुलाव तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।